अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं, और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। चेतावनी, 72 घंटे में भुगतान न होने पर दर्ज होगी FIR। देवीपाटन मंडल के आयुक्त महेंद्र कुमार ने मंडल में अब तक लक्ष्य के सापेक्ष गेहूं खरीद की बेहद धीमी खरीद पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त चेतावनी दी कि सभी क्रय एजेंसियों के जिम्मेदार अधिकारियों तत्काल गंभीर हो जाए, वरना उनके निरीक्षण में गलती मिलने पर और गेहूं बेचने वाले किसानों का भुगतान 72 घंटे के अंदर न होना जाने पर वे दोषी को तत्काल निलंबित करते हुए FIR दर्ज कराएंगे। कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक में मंडलायुक्त ने मंडल के जनपदों में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष गेहूं खरीद की समीक्षा की तो ज्ञात हुआ कि देवीपाटन मंडल में इस वर्ष 266,900 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जानी है, परंतु अब तक 80,052 मीट्रिक टन ही गेहूँ खरीदा जा सका है। गौरतलब है कि इस वर्ष गेहूं के खरीद के लिए गोंडा में खाद्य विभाग के 16 PCF के 40 UP एग्रो के 1 UP PCU के 29 UP VSS के 12 तथा भारतीय डाक निगम के 1 के केंद्र सहित कुल 99 जनपद बलरामपुर में खाद्य विभाग के 9 तथा PCF के 27 केंद्रों सहित कुल 36 क्रय केंद्र जनपद बहराइच में खाद्य विभाग के 14 पंजीकृत समिति के 1 PCF के 88 UP एग्रो के 3 UP PCU के 30 UPSS के 10 NAFED के 3 तथा भारतीय खाद्य निगम के 1 केंद्रों सहित कुल 150 क्रय केंद्र श्रावस्ती में खाद्य विभाग के 5 PCF के 33 व भारतीय खाद्य निगम के 1 केंद्र सहित 39 केंद्रों को मिलाकर मंडल में 324 क्रय केंद्र बनाए गए हैं।